there is a tool to achieve your genius, to achieve your creativity, which is here. See, a school cannot make you creative. School can give you that craft, that language of cinema. The basic thing is how you narrate cut to cut. How you narrate cut to cut. That's the only thing. You must know how to visually narrate a story. Sound bhi seekh ke aata hu, camera bhi seekh ke aata hu, editing bhi seekh ke aata hu. Filmmaking is उसमें तीन स्टेजेस हैं, तीन मालूम हैं? Yes sir. क्या है? Pre-production में आप क्या करते हैं? Sir, scripting and screen planning. सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, राइट? आपका ओरिजिनल आइडिया, किताब से ले लिया, कहीं न्यूज़पेपर से ले लिया, कोई भी लाइफ का इंसिडेंट है, राइट? फिर आपने उस आइडिया को डेवलप करना शुरू किया, राइट? उस डेवलप करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट. कि भाई मेरा फिल्म का एक्चुअली नैरेटिव क्या हो, हैप्पी एंडिंग है, ओपन एंडिंग है, ट्रेजिक है, व्हाट इज राइट? और आपकी बेसिक आपने तैयार हो गई, देन यू फर्दर डेवलप इट इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, राइट? एंड जब आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई, देन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ योर बजट, कि आपका फिल्म कितना अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करेगा, इसमें कौन कौन एक्टर्स होंगे. सब प्री प्रोडक्शन, आप लोकेशन देखेंगे, कितने सेट्स होंगे. तो एक होता है प्रोडक्शन ब्रेकडाउन, याद ये टर्म याद है? प्रोडक्शन ब्रेकडाउन. आपकी स्क्रिप्ट जब बन गई तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने सीन्स क्लासरूम में हैं, कितने सीन्स रोड पे हैं, कितने सीन्स ड्राइंग रूम में हैं, राइट? कौन कौन एक्टर्स किस किस सीन में. अब जैसे क्लासरूम में सीन नंबर 5 है, सीन नंबर 21 है, सीन नंबर 26 है, सीन नंबर 28, राइट? तो ये 4 सीन क्लासरूम में हैं, तो आपको मालूम है कि सीन नंबर 5 में कौन चाहिए, सीन नंबर 21 में कौन चाहिए. तो देट गिव्स एन आइडिया कि कौन सा एक्टर आपको कितने दिन के लिए बुक करना है. तो इसे हम प्रोडक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं, जिससे आपको पूरे तो आपको पूरी फिल्म का आइडिया हो जाता है कि मेरी फिल्म 100 शिफ्ट में कंप्लीट होगी या 80 शिफ्ट में कंप्लीट होगी. और प्रोडक्शन ब्रेकडाउन के बाद आपका शॉर्ट ब्रेकडाउन आता है, कि आप हर सीन को, जैसे सीन नंबर 5 आप ये शूट कर रहे हैं, तो उसको शॉट नंबर 1 क्या होगा, शॉट नंबर 2 क्या होगा, शॉट नंबर. इस फिल्म शॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? नो. व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ वी ऑलवेज सी द व्हिच सीन कैन बी शूट फर्स्ट मेनी टाइम्स, लाइक द लास्ट सीन कैन बी सीन शूट फर्स्ट. बट व्हाई? It's depend upon the convenient sometimes. Convenience in what sense? Convenience like shooting time is convenient for all of them. Shooting plan is convenient for all of them. Not exactly. See, film is a very expensive medium. बहुत महंगा है. एक एक second बहुत महंगा पड़ता है. और सबसे बड़ी चीज़ है lighting. Right? तो lighting आपका शॉट नंबर 1 वहाँ से है, तो आपने ये जोन लाइट आप किया. शॉट नंबर 2 यहाँ से है, आपने फिर ये जोन लाइट किया. शॉट नंबर 3 फिर वहाँ से है. तो आप लाइट चेंज करते रहेंगे तो आप 8 घंटे में मुश्किल से 4 या 5 शॉट ले पाएंगे. तो आपने जब एक जोन में लाइट अप कर लिया, फिनिश ऑल द शॉट्स, तो आप जब स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करते हैं ना, शॉर्ट ब्रेक डाउन जब करते हैं, तो आपको पता चल जाता है शॉट नंबर 1, शॉट नंबर 6, शॉट नंबर 7, शॉट नंबर 8 किस की किस एंगल से हैं. तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेते हैं. तो आपने एक जोन लाइट अप किया, यू फिनिश ऑल द शॉट्स, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोज शॉट, ट्रॉली, जो भी आप शॉट्स हैं, सब आप उस जोन के ख़त्म कर लेते हो, तो टिक कर. फिर आप कैमरा मैन यहाँ से, तो फिर उसने ये जोन लाइट अप किया, इस जोन के सारे shots.
तो इस तरीके से 8 घंटे की शिफ्ट में 20-25 शॉट ले लेती हूँ।